बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि कपास में जो मुख्तलिफ रस चूसने वाले कीड़ों का अटैक होता है तो कौन सी इंसेक्टिसाइड जो है ना इस्तेमाल करें ताकि इनको मैनेज किया जा सके, ख़ासतौर पर गर्म और खुश्क मौसम में। जैसा कि आपको मालूम है कि शायद मक्की थ्रिप्स का अटैक और माइट्स का अटैक जो है ये बढ़ जाता है, तो कैसे इनको मैनेज करना है। देखें, बेशतर रस चूसने वाले कीड़ों को इज्तमाही तौर पर डील करने के लिए बिग हिट ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी डोज जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो 250 या 300 ग्राम है ना वो कम है, 400 ग्राम के ऊपर भी बंदा 80% से ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं होता। बिग हिट जो है उसके अंदर फ्लूनिकामिड और एबामेक्टन है, तो वो 500 ग्राम के ऊपर बेहतर काम करती है और सेटिस्फाई करती है। तो ये जो डोज है ना 300 ग्राम, इसके ऊपर आम आदमी बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता, ये नोट कर लें, अच्छी प्रोडक्ट है। तो दूसरी बात यह है कि सफ़ेद मक्खी ज़्यादा हो और तेला कम हो तो कौन सी इस्तेमाल की जाए। बाद दफ़ा यह है कि देखें, तेला गर्म और खुश्क मौसम में कम होता है, बाद दफ़ा ऐसे है कि कपास जो है ना अच्छी तरह खाद पानी लगा के पाली हुई है, वहाँ पे तेले का अटैक भी ऐसे गर्म मौसम में भी हो सकता है। सफ़ेद मक्खी और तेले के लिए आपको मालूम है कि धूम एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर फ्लूनिकामिड के साथ जो है ना एसीटामेप्रिड और पायरीप्रोक्सीफेन भी है, यानी कि सफ़ेद मक्खी को ज़्यादा एड्रेस करती है, फ्लूनिकामिड भी एड्रेस करती है, लेकिन फ्लूनिकामिड बेसिकली तेले के लिए है। जहाँ पे तेला कम और सफ़ेद मक्खी ज़्यादा हो तो ये उलाला से भी बेहतर है। जहाँ पर तेला ज़्यादा हो और सफ़ेद मक्खी कम हो तो वहाँ पर फ्लूनिकामिड को आप, या डूमी है या और भी हैं, और मतलब फ्लूनिकामिड जो है ना वो 80 ग्राम के ऊपर इस्तेमाल करनी चाहिए। तो बाकी बात कहते हैं, अकेला जेसड भी मौजूद है तो साफ ज़ाहिर है कि जहाँ पे जेसड मौजूद है वहाँ पे उलाला जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बल्कि अब तो कज़हान जो है ये आ गई है, ये जाफर एग्रो की 120 मिलीलीटर, यानी कि पहले तो वो दानेदार है ना फ्लूनिकामिड हर एक के पास, अब लिक्विड में भी आ गई है, ठीक है। ओशन जो है वो 100 ग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंटेंग जो है ये आप इस्तेमाल करके देखें, जेसड के लिए इनकी बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। सीवेंटो जो है, अगर मोवेंटो तो हुई थी लेकिन ये नई प्रोडक्ट है सीवेंटो, ये बायर की प्रोडक्ट ही है, तो इसका रिजल्ट मैं समझता हूँ कि तेले के ऊपर जो आता है ये 90% तक रिजल्ट, ये नई चीज़ है। तो तेला मक्खी थ्रिप्स और जुएँ सब कुछ इकट्ठा हो तो क्या किया जाए। देखें, अगर तो इब्तदाई स्टेज में है ना, ये थोड़ी बहुत ही सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन थोड़ी मकदार में हैं, तो हाची जो है ना टोल्फेन पायरेट, ये मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है। अगर मक्खी का सीवियर अटैक हो चुका है तो बिल्कुल ये हाची का करने का कोई फायदा नहीं है। अकेली मक्खी अगर फ्लेयर अप हो चुकी हो किसी खेत में तो उसका तोड़ जो है ना, मैं समझता हूँ मतोई जो है ना फ्लूक्विनाजोन, इसके स्वाब बंदे का चारा नहीं है। अगरचे ये काफ़ी महंगी दरें हैं, तो मैंने अपनी रिसर्च का खुलासा आपको जो है ना पेश कर दिया है।